पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी में मसीहा समाज द्वारा ईस्टर पर्व एवं पुनरुत्थान दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मसीह समाज के लोग सुबह 5 बजे से ही मसीही कब्रिस्तान में अपने परिजनों जो इस दुनिया में नहीं हैं, भाई बहन पत्नी पति बेटा बेटी जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके पुनः जीवित होने की आस में सुबह से ही मसीह कब्रिस्तान में पहुंचकर अपने प्रियजनों की कब्र में फूल अगरबत्ती मोमबत्ती चढ़ाकर उनके पुनरुत्थान की आस में एकत्रित हुए थे, जहां मसीह समाज के धर्म गुरु ने अपनी प्रार्थना में पुनरुत्थान के बारे में बताते हुए प्रार्थना की और लोगों को पुनरुत्थान का मतलब बताया। ईसा मसीह के पुनः जीवित होने का मतलब बताते कहा कि आज हम पुनरुत्थान एवं ईस्टर का पर्व इसलिए मनाते हैं कि हमारे प्रियजन एक न एक दिन पुनरुत्थान होगा। इसी आस में हम ईस्टर का पर्व मनाते आ रहे हैं। ईस्टर के पर्व में गोदरी पारा नामक स्थान के चर्च में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विजय जायसवाल प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर मसीह जन के प्रभु यीशु मसीह के बताए गए मार्गों को मसीह जनों के सेवा भाव सारी दुनिया में एक मिसाल के काबिल है। प्रभु यीशु मसीह के बताए गए मार्गों पर और शांति के मार्ग पर चलते आ रहे हैं। उन्होंने मसीह समाज की कुछ समस्याओं को सुना और आचार संहिता लगने के कारण मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता, परंतु आप लोग की प्रार्थना मेरे कार्यालय तक आती है। मैं आप लोगों का पड़ोसी हूं, आप लोग जब चाहेंगे कभी भी आ सकते हैं, मैं आप लोगों की मदद करता रहूंगा, परंतु चुनाव की घड़ियों में मैं आप लोगों की वर्तमान में कोई भी मदद करने में विवश हूं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मुझे भी चुनाव कार्य में अधिक से अधिक समय देना पड़ रहा है। आज मैं आप लोगों के बीच में आकर इस प्रार्थना भवन में सम्मिलित होकर जो मुझे आनंद मिला है वह कहीं नहीं मिल सकता, वह प्रभु के द्वार में ही प्राप्त होता है। इस संबंध में समाज द्वारा धार्मिक गीत एवं मसीह संदेश मसीह जनों को दिए गए और ईस्टर पर्व की बधाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बांटी गई और शुभकामना दी गई। ईश्वर की आराधना में तो आप कहीं भी बैठेंगे तो आपको बहुत शांति मिलती है और आत्मिक शांति मिलती है। मैं सभी धर्मावलंबियों से, सभी धर्म के लोगों से ये आज हूँ और जहाँ जाता हूँ तो हर जगह समस्याएं हैं और जो भी समस्या है उनकी उसके ऊपर निश्चित रूप से भी आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता में अपन कोई भी बात ऐसी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इनकी समस्या की तो बात अलग है। आज हमारे जो मसीह समुदाय के जो का एक बहुत बड़ा पर्व है, ईस्टर का पर्व है, उनके साथ उनकी खुशी में शरीक होने आया था, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करने आया था। एक संदेश अपने द्वारा देना चाहूँगा कि देश में भाईचारे की जरूरत है, देश में कौमी एकता की जरूरत है, देश में सौहार्द की जरूरत है और देश प्रेम की जरूरत है। मेरा नाम नीलिमा लाल है कि ये ऐसा है कि हम मरे हुए लोग, जैसे हमारे मसीह समाज में कभी भी फूट होता है, भेदभाव होता है, तो हम सब एक साथ मिलकर हर एक स्तुति आराधना में आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हर एक समाज के लोग आगे बढ़ें। मेरा नाम पास्टर गोसे निक्का है। पास्टर साहब, आज ईस्टर पर्व किस उपयोग से बनाया जाता है? ईस्टर पर्व प्रभु यीशु मसीह के भोर को अर्थात तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाए गए थे और मारे गए और इस पुनरुत्थान के दिवस को अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को